राजगढ़ रोड पर सड़क किनारे बना छोटा सा खड्डा लोक निर्माण विभाग की अनदेखी के वजह से बड़े खड्डे में तब्दील हो चुका है। ये खड्डा काफी वर्षों से लोगों को परेशानी का सबब भी बना हुआ था। जहां एक ओर पैदल चलने के लिए ये खड्डा चोटिल होने का काम कर रहा था, वहीं दूसरी ओर सड़क तंग होने की वजह से इस खड्डे में कई गाड़ियां भी फंस चुकी हैं। हद तो इस बात की है कि आसपास के रहने वाले लोग कई बार इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आज तक इस पर कोई भी गौर नहीं किया गया। स्थानीय लोगों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि पीजी कॉलेज के समीप सड़क किनारे बने डंगे के ढहने से ये खड्डा काफी वर्षों पहले बन चुका था। शुरुआती तौर पर ये गड्ढा छोटा था, लेकिन अब दिन प्रतिदिन अनदेखी के चलते बड़ा होता जा रहा है, जिसकी वजह से सड़क भी धंसने लगी है। उन्होंने बताया कि लोग कई बार इस गड्ढे की वजह से चोटिल हो चुके हैं और कई बार इस गड्ढे में गाड़ियां भी फंस चुकी हैं, जिस बारे में नगर परिषद लोक निर्माण विभाग को सूचित किया जा चुका है, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई अमल में लाई नहीं गई। उन्होंने आरोप लगाया कि शायद प्रशासन किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है। डंगा है यहाँ पे डिग्री कॉलेज के पास राजगढ़ रोड पे नेचुरल स्टोर के सामने, और ये डंगा कम से कम कोई 8-10 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है। इसमें कम से कम कोई 4-5 गाड़ियां तो नीचे धसकी हुई है, और इसके लिए हमने कई बार मिट्टी डाल के इसको पूरा किया, पर प्रशासन इसके बारे में कुछ सोच नहीं रहा है। और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका काम शुरू किया जाए। वार्ड नंबर 15 में रहते हैं ये हम। मैं स्थानीय निवासी होने के नाते हमने पहले भी चेयरमैन MC को बहुत बार शिकायत की, अपना रिक्वेस्ट दिया कि हमारा जो ये डंगा है ये बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि बहुत बार यहाँ हादसे हो चुके हैं, कभी गाड़ियाँ घुसती हैं रात को, कुछ बाइक वाले या कुछ लोग जो पैदल चलने वाले हैं उन्हें भी बहुत दिक्कतें होती हैं। तो हमने बार बार ये रिक्वेस्ट किया कि भाई हमारा ये जो डंगा है बहुत सालों से, 3-4 साल हो रहे हैं, 3-4 साल से हम कंप्लेंट पे कंप्लेंट किए जा रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से MC और PWD को ये बताना चाहता हूँ कि आप इस तरह की नेगलिजेंसी मत करो, जनता की आवाज़ को मत दबाओ। हम बार बार जो हमारा आपसे आग्रह है, हमारा कोई पर्सनल इशू नहीं है, हमने कोई पर्सनल अपने घर के लिए नहीं मांगा है, ये जनहित की बात है, जनता के हित की बात है। यहाँ हम एक गड्ढा काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, लगभग 2-3 साल से गड्ढा ऐसी है, खाई बनती जा रही है, काफ़ी कंप्लेंट्स हुए लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई आज तक यहाँ नहीं किया। दो एक बार तो यहाँ गाड़ियाँ भी गिरने का डर हो गया था, कैसे कैसे निकाल करके। अभी इतने दिन हो गए लेकिन आज तक यहाँ पे कोई गवर्नमेंट का आदमी यहाँ पे इंक्वायरी के लिए नहीं आया कि नहीं यहाँ क्या होना, क्या नहीं होना, कैसे होगा। अभी इस गड्ढे को लेकर के तो हम लोग बहुत परेशान हैं कि यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है।